हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एफिनिटी बोल। मनी सिंप्लीफाई लाइफ एंड वी सिंप्लीफाई ट्रेडिंग। आज की इस वीडियो में निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस करने वाले हैं मंडे के लिए कि निफ्टी में और बैंक निफ्टी में मंडे की मार्केट में कौन से ट्रेडिंग रेंज होने वाले हैं। तो चलिए पहले हम अपने टेलीग्राम चैनल पर चलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एफिनिटी बोल का टेलीग्राम चैनल ओपन है। गाइस, यहाँ पे आपको ड्यूरिंग मार्केट निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस, साथ ही निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आप इंट्राडे में अपना प्रॉफिट निकाल सकें। साथ ही आपको यहाँ पे स्टॉक ऑप्शन के भी कॉल और पुट ऑप्शन बाइंग और सेल करवाए जाते हैं इंट्राडे ट्रेडर के लिए और स्विंग ट्रेडिंग के लिए, या BTST यानी बाय टुडे सेल टुमारो के लिए। तो यहाँ पे आप एक इंट्राडे के लिए भी और एक स्विंग ट्रेडर के लिए भी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, जिससे कि आप डेली कंसिस्टेंट प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। आपको यहाँ पे डेली कुछ ना कुछ मार्केट में सीखने को डेफिनेटली मिलने वाला है। तो अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप मुझे यहाँ पे ज्वाइन करें। तो चलिए अब हम अपने चार्ट स्क्रीन पे चलते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये निफ्टी इंडेक्स का चार्ट ओपन है 1 आवर टाइम फ्रेम का। निफ्टी की एनालिसिस करने से पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो या नेक्स्ट निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस की सीरीज बिल्कुल भी मिस ना करें। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, जो निफ्टी की क्लोजिंग थी फ्राइडे मार्केट की यानी कल की, वो थी 17,364 की। तो अब बात करते हैं निफ्टी में हमें कल कौन से ट्रेडिंग रेंज मिलने वाले हैं, यानी मंडे की मार्केट में हमें ट्रेडिंग रेंज मिलने वाले हैं। तो उन लेवल को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर मैं अपनी ही स्ट्रैटेजी की बात करूं, आप देख सकते हैं जो हमारी स्ट्रैटेजी है वो ब्लैक कर्व के अबव, आप देख सकते हैं हमें क्लोजिंग मिली है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। आप यहां पे देख सकते हैं इजली आपको शो हो रहा होगा कि जो क्लोजिंग मिली है वो अबव मिली है हमारे ब्लैक कर्व पे, और जो कि क्लोजिंग थी 17,634 की। तो एक तो ये बुलिश सिग्नल हमें ऑटोमेटिक प्रोवाइड हो ही रहा है। साथ ही हम बात करते हैं रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल की, कौन से होने वाले या ट्रेडिंग रेंज होने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं जो निफ्टी को ऑलरेडी एक जो सपोर्ट मिलने वाला है वो मिलने वाला है 17,300 के लेवल का। और अगर मैं बात करूँ निफ्टी में हमें कौन सा पहले मेजर रेजिस्टेंस लेवल मिलने वाला है, तो हम ड्रॉ करते हैं उन लेवल का ताकि आपको इजीली समझ में आए वो लेवल। आप देख सकते हैं निफ्टी को जो पहला जो मेजर वो मिलने वाला है, रेजिस्टेंस लेवल मिलने वाला है, वो मिलने वाला है इस रेंज का। वो मिलने वाला है 17,480 और 500 के लेवल का, यानी 17,500 का जो लेवल है वो निफ्टी को एक रेजिस्टेंस के रूप में काम करने वाला है। साथ ही अगर हम इसके अबव रेजिस्टेंस देखें, यानी जो हमारा सेकंड रेजिस्टेंस होगा अगर निफ्टी ने इसको ब्रेकआउट दिया, तो आप देख सकते हैं ये वाली जो रेंज है 17,600 वाली जो रेंज है, आप देख सकते हैं ये प्रीवियस भी आप देखिए यहाँ पे मार्केट होल्ड किया हुआ है। आप देखिए यहाँ पे मल्टीपल ऑफ टाइम यहाँ पे निफ्टी ने होल्ड किया अपने आपको। साथ ही निफ्टी ने जैसे इस 17,600 लेवल को ब्रेकआउट मिला था, निफ्टी में हमें एक गिरावट देखने को मिली थी। अगेन निफ्टी में हमें एक अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है। अगर निफ्टी में कल हमें तेजी देखने को मिलती है, निफ्टी को जो पहला रेजिस्टेंस लेवल मिलने वाला है वो मिलने वाला है 17,500 के लेवल का। साथ ही अगर इसमें हमें ब्रेकआउट होता हुआ दिखता है, देन हमें जो मेजर रेजिस्टेंस मिलेगा वो मिलेगा 17,600 के लेवल का। तो हम अपनी बाइंग की पोजीशन लेने से पहले इन लेवल का ध्यान रखने वाले हैं डेफिनेटली, और हम अपने ट्विटर हैंडल पे भी और टेलीग्राम चैनल पे ये लेवल मेंशन करेंगे। अब बात करते हैं बेरिश मार्केट की। अगर निफ्टी ने ये जो हमारी ब्लैक कर्व है और ये जो हमारा सपोर्ट है 17,300 के लेवल का, इसमें ब्रेकआउट होता है तो नो डाउट हमें निफ्टी में 17,150 के लेवल, 180 के लेवल देखने को मिल सकते हैं, और निफ्टी यहाँ पे सस्टेन करने वाला है। अगर निफ्टी, मैं अगेन बोल रहा हूँ, अगर बेरिश मार्केट मूवमेंट देखने को मिलता है या गैप डाउन की ओपनिंग देखने को मिलती है, निफ्टी जो सस्टेन करेगा वो करेगा 17,150 के लेवल पे। गई जो हम ये लेवल डिस्कस कर रहे हैं,
वो हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साथ ही अपने ट्विटर हैंडल और टेलीग्राम चैनल पे मेंशन करने वाले हैं, तो आप वहां पे भी जाके ले सकते हैं। जो ही हम ये ट्रेडिंग रेंज डिस्कस कर रहे हैं 17,150 से लेके और 17,600 के लेवल का, तो ये हमें मेजर रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल शो हो रहे हैं। तो अब बात करते हैं हम अपने बैंक निफ्टी इंडेक्स के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी इंडेक्स का ये चार्ट ओपन है 1 आवर टाइम फ्रेम में। बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग मिली है वो मिली है 35,500 की। तो बात करते हैं बैंक निफ्टी में हमें कौन से ट्रेडिंग रेंज देखने को मिलने वाले हैं मंडे की मार्केट में। आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी जो है एक रेजिस्टेंस पे ही कंसोलिडेट कर रहा है। आप देखिए यहाँ पे मल्टीपल टाइम कैंडल यहाँ पे 1 आवर की प्रिंट हुई है, यानी फॉर्म की है। यहाँ पे ब्रेकआउट ना हमें डाउन की तरफ ब्रेकआउट मिला है, ना ही अबव की तरफ, यानी रेजिस्टेंस के अबव ब्रेकआउट भी नहीं देखने को मिला है। एक हमें जो क्लोजिंग मिली है वो एक तरफा क्लोजिंग मिली है, यानी एक साइड वेव मूवमेंट देखने को मिला है। अब बात करते हैं कि हमें अगर बुलिश मार्केट हुई कल की मार्केट, अगर हमें बुलिश मार्केट दिखती है, मोमेंटम बुलिश मोमेंटम दिखता है, जो हमें रेजिस्टेंस मिलना चाहिए वो कौन सा मिलना चाहिए, तो वो मार्क करते हैं। हमें जो पहला रेजिस्टेंस मिलना चाहिए कल की मार्केट में, अगर हमें बैंक निफ्टी बुलिश ट्रेंड में दिखता है, वो मिलना चाहिए 35,900 के लेवल का, यानी कह सकते हैं 35,850 और 900 के लेवल पे हमें एक रेजिस्टेंस मिलना चाहिए। आप यहाँ पे इस लेवल पे देख सकते हैं मल्टीपल ऑफ टाइम यहाँ पे कैंडल्स फॉर्म हुई हैं, यानी इस लेवल पे बैंक निफ्टी ने इस रेंज पे रिस्पेक्ट किया हुआ है। और जैसे इस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी चार पांच कैंडल यहाँ पे प्रिंट हुए हैं, जैसे इसमें ब्रेकआउट हुआ है देन हमें एक अच्छी खासी गैप डाउन की ओपनिंग देखने को मिली और फिर एक अच्छी खासी गिरावट भी देखने को मिली। और साथ ही बैंक निफ्टी ने भी हल्की सी मोमेंटम पकड़ा है बुलिश वाला, तो जो हमें कल मेजर रेजिस्टेंस लेवल मिलने वाला है वो मिलने वाला है 35,900 और 36,000 वाला। और वहीं अगर बैंक निफ्टी ने इन रेंज को भी ब्रेकआउट करा, जो हमें मेजर रेजिस्टेंस लेवल मिलने वाला है वो मिलने वाला है 36,500 के लेवल का, यानी यहाँ से 600 पॉइंट अबव ये वाला रेंज, ये वाली रेंज हमें देखने को मिल सकती है आने वाले कपल ऑफ डेज में। अगर हम बेरिश मार्केट की बात करें गाइस, तो अगर मार्केट ने इस रेंज पे ब्रेकआउट किया, जो हमें पहला सपोर्ट मिलने वाला है वो मिलने वाला है, मेजर जो सपोर्ट मिलेगा वो मिलेगा 35,000 का। साथ ही अगर इसमें ब्रेकआउट होता है तो हमें मिलना चाहिए जो सेकंड रेजिस्टेंस मिलेगा वो मिलेगा, आप देख सकते हैं 34,700 के रेंज का। ये एक छोटा सा हम कह सकते हैं ये जो रेंज है 35,750 या 700 के लेवल का, तो हमें ये देखने को कल की मार्केट में मिल सकता है और मार्केट का मोमेंटम हमारा बेरिश होता है। तो हम इन लेवल का ध्यान रख के अपनी बाइंग और सेलिंग की पोजीशन लेने वाले हैं। और ये जो लेवल हम डिस्कस कर रहे हैं, मैं अगेन बता रहा हूँ, मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साथ ही अपने टेलीग्राम चैनल पे मेंशन करने वाला हूँ। तो अगर आप अभी तक आपने मुझे वहाँ पे ज्वाइन नहीं किया है तो आप मुझे वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। आप मुझे ट्विटर हैंडल, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं फॉर मोर अपडेट्स। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।